हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम विशेषण के बारे में बात करने वाले हैं कि विशेषण क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण कौन कैसे हैं, यह किसकी पुस्तक है, ये क्या है, ये सर्वनाम हो गया। अब इसी को यह पुस्तक किसकी है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। वह रमेश का लड़का है, ये सर्वनाम है। वह लड़का रमेश का है, मतलब ये लड़के को रमेश को बताया जा रहा है, नाम सर्वनामिक है ना, तो वह लड़का किसका है, रमेश का है। अब यहाँ पे देखिए ये सर्वनाम है, वह अच्छा लड़का है। अब इसका उल्टा सर्वनामिक अगर विशेषण में देखा जाए तो वह लड़का अच्छा है, उसको यहाँ बैठाइए, उस लड़के को यहाँ बैठाइए। सर्वनामिक मतलब बोध करा के बता रहा है कि उस लड़के को यहाँ बैठाइए। वह कुर्सी है, उसको अंदर रख दें, ये सर्वनाम है, ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं, जैसे किताब अच्छी है, किताब अच्छी, ये क्या है कि सर्वनाम की विशेषता का बोध करा रहा है, किताब अच्छी है, मतलब इसका बोध करा रहा है कि किताब अच्छी है। और पीली छतरी, मतलब छतरी कैसी है, पीली है। अब देखिए विशेष से, जिसकी विशेषता बताई जाती है अर्थात संज्ञा या सर्वनाम, जैसे मोहन अच्छा लड़का है। मोहन कौन, ये मोहन क्या है, अच्छा लड़का है, तो ये क्या हो गया अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। मोहन क्या है, एक अच्छा लड़का है। प्रविशेषण, अब देखिए जो विशेषण की भी विशेषता बताता है प्रविशेषण कहलाता है, जैसे कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। कश्मीरी सेब कैसा होता है, सिंदूरी लाल होता है, ये क्या है, विशेषण की भी विशेषता प्रविशेषण कहलाता है। सेब कैसा होता है, तो सिंदूरी लाल होता है। उभय बड़ा साहसी लड़का है, उभय कौन साहसी लड़का है, उभय बड़ा साहसी लड़का है। विशेषण के भेद देखिए, इसके चार भेद होते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं। कोई भी सर्वनाम हो तो वो किसी संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं, जैसे कि ऐसा आदमी पहले नहीं देखा। आदमी क्या है, संज्ञा है, और सर्वनाम मतलब ऐसा आदमी पहले नहीं देखा। तो सर्वनाम किसी संज्ञा से पहले जुड़कर उसकी विशेषता का बोध कराते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए ऐसा आदमी पहले नहीं देखा, आदमी क्या है, संज्ञा है, तो ऐसा ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है कि ऐसा आदमी पहले नहीं देखा। यह पुस्तक किसकी है, यह और पुस्तक, वह लड़का आज नहीं आया, मतलब वो लड़का, ये क्या है, इसका बोध करा रहा है ना कि वो लड़का आज नहीं आया। अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष के आकार अवस्था रंग रूप स्वाद आदि का बोध कराते हैं। इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के मतलब गुण दोष, अच्छी आदतें बुरी आदतें, उसके आकार रंग रूप स्वाद आदि का बोध कराते हैं, जैसे कि किसी की अच्छाई बयान करना, किसी की बुराई बयान करना, और कुछ भी, जैसे जैसे बागीचे में सुंदर फूल है, क्या सुंदर है, सुंदर फूल है, ये क्या बता रहा है, उसका गुण बता रहा है ना कि बागीचे में कैसे फूल लगे हुए हैं, बागीचे में सुंदर फूल है। कील नुकीली है, क्या नुकीला है, कील नुकीली है। चाकू धाराधार है, रमेश नीला शर्ट खरीदा, रमेश ने कैसा शर्ट खरीदा, देखिए इसमें रंग रूप भी बता रहा है,
रमेश ने जो शर्ट खरीदा है वो नीले कलर का है, तो ये गुणवाचक विशेषण में है। अंगूर खट्टे हैं, ये खट्टा क्या है, ये स्वाद है, तो ये अंगूर खट्टे हैं। हमने पहले भी डिफिनेशन में देखा है कि इसमें किसी व्यक्ति के वस्तु, व्यक्ति या वस्तु के गुण। देखिए बागीच, गुण की अगर बात करते हैं तो बागीचे में सुंदर फूल है, ये इसके गुण है। दोष देखिए, किल कैसी है, किल नुकीली है, तो ये इसका दोष हो गया। अब आकार की बात करें अगर, तो देखिए चाकू धाराधार है, ये चाकू का आकार बताया जा रहा है। अब देखिए रंग रूप, रमेश नीला शर्ट खरीदा, रमेश ने कैसा शर्ट खरीदा, नीला, तो ये इसका रंग के बारे में बात की जा रही है। अब बात करते हैं स्वाद की, तो अंगूर खट्टे हैं, अंगूर क्या बताया जा रहा है, खट्टे मतलब स्वाद के बारे में इसकी बात की जा रही है, अंगूर खट्टे हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषक क्या होते हैं, इसमें नाप तौल वाली वस्तुओं की मात्रा का बोध होता है। चार गज मलमल, चार गज मलमल शेर भर दूध, इसके दो भेद हैं। तो ये किसमें क्या बताया जा रहा है, नाप तौल वाली वस्तुओं की मात्रा का बोध होता है, मतलब मलमल कितना है, चार गज है, और दूध कितना है, शेर भर के दूध है, तो इसमें दो भेद हो गए। अब देखिए चौथा हमारा है निश्चित परिमाणवाचक, मात्रा की निश्चितता का बोध होता है, जैसे कि जमीन कितनी है, जमीन 2 बीघा है, तो ये जमीन की मात्रा बताई जा रही है। लकड़ी कितनी है, लकड़ी 4 क्विंटल है। दूध कितना है, दूध शेर भर के है। सोना कितना है, तोला भर के है, तो ये मात्रा की निश्चितता का बोध हो रहा है। अब देखिए पांचवा हमारा है अनिश्चितता, अनिश्चितता परिमाणवाचक, इसमें मात्रा की निश्चितता का बोध नहीं होता, अनिश्चितता से ही पता चल रहा है कि इसमें चीजें निश्चित नहीं होंगी। जैसे थोड़ा पानी, मतलब पानी कितना है, थोड़ा है। सैकड़ों लीटर दूध, इसमें निश्चितता नहीं है ना, सैकड़ों लीटर दूध बताया जा रहा है। लगभग 4 मीटर कपड़ा, मतलब निश्चित नहीं है कि कपड़ा कितना है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 4 मीटर कपड़ा होगा। अब हमारा छठा है संख्यावाचक विशेषण, इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं के संख्याओं का बोध होता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण क्या है, इसमें व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्याओं का बोध होता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है निश्चित संख्यावाचक और 1 अनिश्चित संख्यावाचक। दूसरा हमारा, इसमें संख्या की निश्चितता का बोध होता है, जैसे कि कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 20 बोरी सामान है, डलिया भर आम है, 100 छात्र हैं, 2 चादर है, 1 मशीन है, या कुछ भी, ऐसे निश्चित संख्याओं का बोध होता है। अनिश्चितता में देखा जाए तो इसमें संख्या निश्चित नहीं होगी, जाहिर है कि अगर पूछा जाए कितने लोग हैं तो कई लोग थे, तो ऐसे इसमें जो बता रहा है कि कई लोग थे, इसमें संख्या निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। जैसे कि कई लोग, अब भीड़ कितनी थी, बहुत भीड़ थी, तो इसमें निश्चितता नहीं पाई जाती, अनिश्चित है ये। अधिक लोग, बीसियों आदमी, हजारों युवाओं, इटीसी। हमने संज्ञा विकारी शब्द के जो 4 भेद होते हैं, हमने संज्ञा की भी वीडियो बनाई है, सर्वनाम विशेषण की। अब हमारी लास्ट वीडियो होगी क्रिया की। अगर आप को हमारे वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम, और फिर क्रिया के बारे में बात करेंगे कि क्रिया क्या होती है। प्लीज़ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।